होता हुआ दिखाई देगा और ये काफी कुछ फर्क आखिर में जाकर के डालेगा, क्योंकि अगर आप ये समझिए 20 सीटें हैं, 20 में से अगर 10 पर भी असर बीजेपी का पड़ता है तो 10 सीधे सीधे कांग्रेस की कम होती है, तो फिर वही 90 सीटों पर दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे। ये है मजेदार चीज जो शुरुआत में अभी आपको ये बशर्ते 20 का डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर 10 पर भी बीजेपी आगे होती है तो 10 पर कांग्रेस भी पीछे हो जाएगी और वो बैलेंसिंग स्थिति बन जाएगी। हालांकि बीजेपी इसे लेकर के आशावान हो सकती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर दिखाई दे रही है। सुशील जी, सरकार बन रही है आपकी अभी तक के रुझानों के हिसाब से? नहीं, सीटें आगे बढ़ेंगी सर, अभी 101 है, आगे 115-20 तक जाएंगी। अभी जो जो काउंटिंग आगे बढ़ेगी, जो जो ये गैप बढ़ेगा, और निश्चित रूप से मामला टाइट तो हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो जो काउंटिंग है, जैसे अदर से उनमें से कम होंगे, बीएसपी के भी बॉर्डर पे चल रहे हैं और अभी 3-4 सीटों का आना है। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है और जो जो काउंटिंग पूरी होगी, त्यों त्यों आपको देखिए कि हर एरिया का अपना एक काउंटिंग का एक नजरिया होता है। जो लोग पहले पीछे थे वो आगे हो गए, आगे थे वो पीछे हो गए हैं, तो बहुत सी चीजें अभी आने वाले समय में तय होनी है, क्योंकि अभी आपने एक चीज कही सुशील जी, आपने कही कि मामला टाइट जरूर हुआ है, आपने कहा ना सुशील जी मामला टाइट जरूर हुआ है, लेकिन भारद्वाज साहब आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हुआ है। मामला टाइट जरूर हुआ लेकिन भारद्वाज साहब बीजेपी का फ्यूचर ब्राइट दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिएगा पिछड़न बहुत ज्यादा हो गई है और आशावादी अगर कांग्रेस यहां से होती है तो गलत नहीं है। आप सरकार से बाहर जा रहे हैं, ये अभी तक के रुझान बताएं। नहीं देखिए, अगर आप अभी तक का भी ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो हम कांग्रेस से 20 सीटें पीछे हैं। अगर 10 सीटों का रुझान भी ऊपर नीचे होता है तो हम कांग्रेस के बराबर आ जाएंगे। अभी तक कहना जल्दबाजी है, मैं फिर कह रहा हूं 3-4 राउंड की पोलिंग अभी काउंटिंग अभी हुई है, अभी बहुत सारी काउंटिंग बाकी है। निश्चित रूप से राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। हम अभी भी जो लोग हमको शुरू से ही खारिज कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे मुकाबले में कहीं पर है ही नहीं, जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी बहुत कम सीटें आने वाली हैं, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट आपकी स्क्रीन बता रही है कि अभी तक भी हम बराबर के मुकाबले में हैं। 10 सीटों के ऊपर नीचे होते ही राजस्थान में टैली बदल रही है। इसलिए ये कहना कि हम सब चुनाव हार चुके हैं ऐसा अभी कुछ नहीं है, केवल 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी बहुत सारी काउंटिंग बाकी है, उसके बाद आपको जो ये फिगर दिख रहा है ये उल्टा दिखेगा। ठीक है, आप आशावान है, सही बात है, होना चाहिए पार्टी के कर्मठ सिपाही को। लेकिन महेश जी, मैं आपसे पूछता हूं सर, आपको कोई बहुत ज्यादा तब्दीली की गुंजाइश दिखाई देती है? क्योंकि मेरा यह मानना है महेश जी, जिस हिसाब से मैंने राजस्थान का दौरा करते हुए समझाया, इस बार जो जीत का अंतर है वो बहुत कम रहने वाला है और हो सकता है हमको बहुत देर, बहुत रात तक मेहनत करनी पड़े, बहुत लेट तक मेहनत करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि 12 बजते बजते आप स्पष्ट कर दे, क्योंकि उसके बाद भी ये कई सीटों से आप देख रहे हैं, 200 वोट से कोई आगे चलता है, अगले राउंड में वो 500 से पीछे हो जाता है, ये चल रहा है सीसॉ की स्थिति। कोई बहुत ज्यादा अंतर ऐसा झालरापाटन जैसा नहीं है कि दो राउंड की काउंटिंग हो और 5,000 वोटों से कोई आगे हो जाए, ऐसा नहीं? देखिए अभी है कई जगह, मतलब जैसे ट्रेंड जो चल रहा है और जिस रूप में अगर फाइट आ रही है और जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, तो करीब करीब कमोबेश जो पहले जो स्थितियां थी कि बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये बराबर बराबर की फाइट में आने की पूरी संभावना है। 105 अब एस्टिमेट ये किया था कांग्रेस को 105 सीटें मिलेगी और इसके बाद में मतलब करीब 85 के लगभग बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। जिस तरह का अभी जैसे 2 सीटें तो अभी आने का रुझान उनका मालूम पड़ जाए तो उसके बाद में स्थिति स्पष्ट और धीरे धीरे आगे राउंड में हर राउंड में चूंकि 10-15-16 जो राउंड ठीक है, महेश जी कह रहे हैं तेल देखिए, तेल की धार देखिए, तेल की धार तब स्पष्ट होगी जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त बीतेगा। हमारे साथ रोशन जुड़ गए, अगर रोशन भरत का रुख भरत, भरत, भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत से जान लेते हैं। भरत, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या हलचल वहां पे? देखिए, हम कॉमर्स कॉलेज में खड़े हैं और मालवीय नगर से 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जो 2 राउंड में पहले कांग्रेस की अर्चना शर्मा आगे चल रही थी, अब 4 राउंड की गिनती के बाद भाजपा के कालीचरण सराफ आगे हो गए हैं और कालीचरण सराफ और अर्चना शर्मा दोनों ही मतगणना स्थल पर मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले जब 2 राउंड की गिनती चल रही थी, कांग्रेस आगे चल रही थी, उस समय कालीचरण सराफ को बेचैनी भी हो गई थी। उसके बाद वहां उन्होंने बीपी की गोली भी ली है और जब 4 राउंड की गिनती हुई बीजेपी आगे चल गई, 2,000 वोटों से करीब वो आगे चल रहे हैं। उसके बाद वो खुश नजर आए, की खबर लाए भरत हैं। अब उन्होंने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा कि अब हम जीते जाएंगे और इस बार पिछली बार से भी बीपी की गोलियां, ठीक है,
अच्छा उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री है, उनको ठीक हो जाएगा का ख्याल रखना। अब तो जिस तरीके के रुझान सामने आए उनके हित में है। गोली भी खानी पड़ी उनका कहना। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और मेरी बड़ी दिलचस्पी है कांग्रेस कार्यालय देखा जाए सुशांत रुझानों के लिहाज से जो जी राजस्थान के अभी तक के रुझान है वो ये बता रहे कांग्रेस की सरकार बन रही है स्पष्ट बहुमत के साथ में अभी तक। बिल्कुल राहुल, और पीसीसी की एक तस्वीर आप देखिए मेरे पीछे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इस समय मौजूद हैं और स्क्रीन पर जी राजस्थान के जो नतीजे हैं वो सबसे पहले आपको यहां पर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जी राजस्थान पल पल की रिपोर्ट राजस्थान के चुनाव परिणाम की दर्शकों तक सबसे सटीक सबसे निष्पक्ष सबसे पहले पहुंचा रहा है और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है जो लोग यहां मौजूद हैं चाहे सेवा दल के हों या आप तस्वीर देखिए कि कैसे साफा लगाकर लोग अलग अलग टोपी लगाकर पहुंचे और पीछे तक लोग बैठे हैं इनसे बात करेंगे। आप लोग जी राजस्थान देख रहे हैं अभी सबसे पहले परिणाम आप तक आ रहा है कांग्रेस रुझान जो है उसमें बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी 130 सीटों के ऊपर जाएगी और बहुत ही भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आप देख रहे हैं तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस जो है भारी लीड लेती हुई जा रही है और तीन राज्यों में भाजपा के हटा करके कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर ऐसे भी हैं पगड़ी लगाकर आए हैं कांग्रेस की। बड़े दिनों बाद जश्न का माहौल बना है कांग्रेस में। बहुत टाइम से सब लोग ही परेशान थे इसलिए सब लोगों ने कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत दिलाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जश्न का माहौल राहुल मैं आपको बताऊं कि शुरू हो गया है। लगातार जो है यहाँ पर आतिशबाजी मंगा ली गई है, मिठाइयों का दौर चल रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर आप देखिए पीसीसी कार्यालय में मौजूद हैं। क्या महिलाओं का जो मुद्दा रहा, राहुल गांधी ने बार बार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही, नजर आ रहा है चुनाव परिणाम में महिलाओं ने वोट दिया है कांग्रेस को? हमारे पूरी महिलाओं ने वोट दिया और रोडों पे संघर्ष किया सबके साथ के चले हम। हमारी 150 सीट आएगी, फुल बहुमत से हम जीतेंगे। हमारा संघर्ष जस्ट वोट दिए हैं और इस बार राजस्थान में कांग्रेस अपना झंडा फहराएगी। ठीक है, ये 130 से 150 हो गया। उत्साहित है, तस्वीर आप देख रहे हैं 100 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस रुझानों में पार कर चुकी है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि आंकड़ा 150 तक पहुंचे। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी लेकिन यहाँ जश्न की तस्वीर आप देखिए कि कैसे जो है लोग जो है अब नाचना शुरू कर दिया है लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए और ये बता रहा है कि राजस्थान में हालात क्या है। पीछे आप देखिए अगर कैमरामैन मनीषा आपको दिखा सके, कांग्रेस का झंडा पीसीसी कार्यालय के भीतर कितना बदल जाता है और कितना कुछ बदल जाता है। 2013 में ठीक यही वक्त था और मेरा ये कहना था सुशांत कि पीसीसी कार्यालय में कबूतर उड़ रहे हैं। मैंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था क्योंकि उस वक्त जब हम पीसीसी कार्यालय को देख रहे थे तो वहां पर कोई नेता नहीं था, कोई पहुंच नहीं रहा था, कोई मिल नहीं रहा था और बिल्कुल सूना था पीसीसी का ये कार्यालय और वहां पर कबूतर उड़ रहे थे। लेकिन आज कहना चाहिए बीजेपी के तोते उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भारद्वाज साहब आपके पास आ रहा हूं, काफी कुछ बदला है, स्पष्ट बहुमत की ओर कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले सुशील जी मैं एक सवाल, एक दिलचस्पी मेरी है जानने की कि अब तो लड़ाई इस बात की होगी, मैंने कई बार कांग्रेस के कई नेताओं से चाय की थड़ी पर बात की साहब, वैसे तो बात ऑन कैमरा तो करते नहीं है इस बारे में, उनका ये कहना है साहब जो बिहाइंड द कैम वो ये होता है सर कि अगर 115 से ज्यादा सीटें आती है, अगर स्पष्ट बहुमत 105 से ज्यादा भी होता तब सचिन पायलट साहब के लिए घबराने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री वो होंगे। लेकिन अगर कहीं भी फंसी हुई स्थिति होती है, अब तो 105 हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर फंसी हुई स्थिति होती है तो गहलोत साहब विल कम इन टू प्ले और गहलोत फैक्टर काम करने लगेगा। अब यहां से चर्चा इस बात की होनी ज्यादा शुरू होगी सचिन पायलट और गहलोत साहब। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस के विधायक बैठेंगे तय करेंगे और हाईकमान से सलाह करके निर्णय होगा। पार्टी का सरकार बन रही है कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। जनता के जो भावनाएं हैं वो स्पष्ट हो रही है कि सरकार की जो बदलाव की बात थी वो बदलाव हो रहा है और होता दिख रहा है और अच्छा स्थिति में होता रहा है। मैंने कहा आपको कि जो काउंटिंग आगे बढ़ेगी ये सीटें 125 तक जाएंगी क्योंकि एरिया वाइज जो काउंटिंग चलती है कहीं आगे हो जाते हैं कहीं पीछे, अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो 120 प्लस होगा। तो मेरा ये मानना है कि और निर्दलीय भी जो जीत रहे हैं कांग्रेस के लोग ज्यादा है,
तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी का सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम जो वादे किए हैं मिलकर के जनता की सेवा करें, जो भाजपा का कुशासन समाप्त हो रहा है, राहुल के ध्यान देने लायक होगा, निर्दलीय भी जो जीत रहे हैं, कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं, यानी कि आश्वस्त है। वो बात सही है, ये तय था, क्योंकि ये क्या रणनीति थी? नहीं, रणनीति तो नहीं थी, पर ये जो लड़ने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेस के बागी ज्यादा थे और बड़े स्ट्रांग लोग थे। होता ये कि आप जिस वैचारिक पार्टी से निकले हुए होते हैं वहीं पर जाने की संभावना ज्यादा होती है। अभी तो खैर मुझे लगता नहीं कि निर्दलियों से बहुत ज्यादा सहयोग की कोई जरूरत पड़ेगी। सुशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं, यही चर्चा का विषय अब यहां से शुरू होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर 105 सीटें या 110 सीटें या फिर उससे कुछ ज्यादा अगर होती हैं तो फिर ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। जहां तक जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है सुशांत कि फिर सचिन पायलट अगले 5 साल के लिए प्रदेश के चेहरे होंगे। बिल्कुल राहुल, ये सवाल हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि सीटें कितनी आएगी, इस पर भी डिपेंड करेगा आंकड़ा। अगर 130 35 प्लस होगा तो शायद आलाकमान के लिए डिसीजन लेना आसान होगा, लेकिन अगर पेच फंसता है, बहुमत की बागियों की जरूरत पड़ेगी तो शायद फिर एक दूसरा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी कोई एक निर्णय नहीं लिया गया है। जो प्रक्रिया है, जो दिल्ली से हमें खबरें मिल रही है कि कल बैठक होगी विधायक दल की और बैठक में जो दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन पीसीसी में अगर बात करें तो सुबह से सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे यहां पर हमने सुने हैं, हालांकि बीच बीच में अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नारों की गूंज भी सुनाई दी। लेकिन पीसीसी में जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 4.5 साल से सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम जिन्होंने किया है, वो निश्चित तौर पे चाहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो सूबे के मुखिया हो। हाँ। लेकिन ये इसका सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं सुशांत आता हूँ आपके पास, एक बार उदयपुर जाना जरूरी है। हमारे साथ अविनाश जगनावत जुड़े हुए हैं और उदयपुर से अपडेट लेते हैं। अविनाश, अगर आप तक आवाज आ रही हो, खबर यह है कि गुलाबचंद कटारिया पीछे चल रहे हैं और थोड़ा सा आसपास की सीटों का भी बताइएगा, क्या जानकारी है? अविनाश माफ कीजिएगा। जी देखिए, उदयपुर की जो सबसे हॉट सीट है वहां से गुलाबचंद कटारिया पीछे चल रहे, हालांकि अंतर अभी 250 से 300 मतों का है, बेहद कम अंतर है, लेकिन जितनी हॉट सीट है उतनी ही यहां पे हॉट टक्कर हो रही है। अगर जब ईवीएम खुली थी तो उस समय गुलाबचंद कटारिया करीब 300-400 मतों की बढ़त बनाई थी, लेकिन उसको कवर करके अब डॉक्टर गिरजे व्यास आगे आ गई है। और अगर पूरे जिले की बात करें तो यहां पे 4-4 का रेशियो सामने आ रहा है, 4 पे कांग्रेस के प्रत्याशी आगे है और 4 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे है। जहां पे बीजेपी के आगे है उसमें जाड़ोल, गोगुंदा ये 2 सीट, उसके अलावा एक मावली की सीट है जहां पे एक बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के धर्मनारायण जोशी ने बनाई है, लगभग 5,000 वोटों से वो अभी तक बढ़त बना चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए वल्लभ नगर, जो कि दूसरी जिले की सबसे हॉट सीट थी, जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी और उसके अलावा जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर, जो कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद खास है, वो पीछे चल रहे और यहां पे करीब 1600 वोटों से जो है कांग्रेस प्रत्याशी गजन सिंह सक्तावत वो आगे चल रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर है रघुवीर मीणा वो पीछे हैं, ये वो अभी पीछे चल रहे हैं, कि वो भी मतों का अंतर है, वो बड़ा ही कम है, करीब 50 मतों से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो रेशमा मीणा जो है, जो बागी बन के कांग्रेस की खड़ी हुई थी, वो उनके वोट ज्यादा काट रही है, जिसके चलते वो पीछे चल रहे हैं। और गोगुंदा की बात करें तो पूर्व मंत्री है मांगीलाल गरासिया, जिनकी की लगभग जीत तय मानी जा रही थी और ये भी समझा जा रहा था हो सकता है कि वो एक तरफा जीत दर्ज करे, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में वो पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पे भी एक चिंता का विषय है। और पूरी बात की जाए तो 4-4 का अभी रेशियो चल रहा है, शुरुआती रुझान है, अगर मावली को छोड़ दे तो बाकी सारे रुझान जो है वो अभी भी कम वोट अंतराल में है, लेकिन मावली का एक बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस वो यहाँ पे सामने आ रहा है। जी राहुल जी बिल्कुल, यानी बड़ी डाइसी और सीसो की स्थिति है, ये बड़ा दिलचस्प है, धड़कने कभी किधर की बढ़ती होंगी, 300-200 वोटों का अंतर। और मैं दरअसल इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं कि देखिए साहब कितनी चीजें बदल सकती हैं। दिनेश गुरेजिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर दिखा दीजिए, हमारे 2 मेहमान नए हमारे साथ आ गए, और ज्योति जी आज बड़ी खुश होंगी, सरकार बन रही है, अच्छा होता विधानसभा में भी होती तो शायद बिल्कुल कुछ और जगह बन जाती, लेकिन ज्योति जी एक कर्मठ सिपाही है, मैं जानता हूं अपनी पार्टी की, और आज उनकी खुशी कम नहीं है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास में आ रहा हूं, अगर मैं ये पूर्वानुमान लगाता हूं अभी 105 और 80 सीटों के बीच में, जिस तरह से 200 300 400
वोटों का अंतर हर राउंड की वोटिंग के बाद में हो रहा है, और मैं बार बार ये कह रहा था कि 80 से 75 से 80 सीटें ऐसी होंगी जहां पर आपको 5000 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो बाद में जाते जाते ये परिवर्तन भी दिखाई दे सकता है, नेक टू नेक भी आ सकते हैं, अगर 10 सीट कांग्रेस पीछे हुई 10 सीट बीजेपी आगे बढ़ी। सुन पा रहे हैं आप दिनेश जी? आपका लिंक नहीं, मेरा सवाल, मुझसे सवाल है आपका? जी दिनेश जी से लगता है। बख्शी साहब आप ही बता, दोबारा दोहराइए राहुल जी। दिनेश जी अगर आप सुन पा रहे हो मेरा, ये मुझे ये लग रहा है, ये मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा हूँ लास्ट आते आते ये होगा ही। अभी भी 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है, जब अभी तक तो बैलेट बॉक्स में कम से कम 1-1 लाख 1.5 लाख वोट बाकी है, और ऐसा लगेगा आपको थोड़ा देर आने के बाद कि जो टैली है बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर आगे आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं आपको, आपके चैनल पे भी बहुत बार डिबेट हुई है और जगह भी जब जाते थे तो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में कहीं है ही नहीं पिछले 1-1.5 साल से, तो बिल्कुल ऐसा मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप लोग मुकाबले में नहीं है। मैंने बार बार इस चीज को कहा है, लेकिन मैंने बार बार इस चीज को कहा है और राजस्थान की मिट्टी को छानते हुए खाक छानते हुए कहा है कि साहब कांग्रेस इस चुनाव को 145 से 150 सीट लाते हुए जीत रही थी टिकट वितरण के वक्त, लेकिन जैसे ही टिकट वितरण हुआ उसके बाद में परिस्थितियां ये बनी कि नेक टू नेक फाइट आ जाती। लेकिन मेरा लक्ष्मीकांत जी आपसे सवाल नहीं था, आपसे सवाल तब होगा जब कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी। मैं तो उससे पहले सवाल दिनेश जी से पूछना चाह रहा था। दिनेश जी आपको लगता है कि क्या ये परिस्थिति बन सकती है आने वाले वक्त में? दिनेश जी अगर आप तक आवाज आ रही हो, कुछ ही देर में जिस तरह से 500-600 वोटों का डिफरेंस है, हो सकता है ये सीसो बढ़ता हुआ नेक टू नेक भी लिया है फाइट को, डू फील सो? इससे पहले भी काउंटिंग के अंदर ऐसा होता रहा है कि जब बहुत कम मार्जिन के ऊपर बहुत सारी सीटें रहती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावनाएं रहती हैं। चूंकि ये ज्यादा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 80-105 ये स्थिति इस समय है, ऐसे में कोई भी चेंज हो सकता है। अभी यदि कांग्रेस खुशी मनाती है तो जल्दबाजी होगा, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस इससे भी ज्यादा सीटें ओढ़ ले जाए, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस 10-15 सीटें लूज भी कर जाए। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, 199 सीटों के पूरे रुझान हमारे पास हैं, और 199 सीटों के रुझान 10:12 पर ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस सरकार बना रही है 105 सीटों के साथ में, बीजेपी 80 सीटों पर, 3 पर बीएसपी और अदर्स 11 पर। ये अन्य जो है ये बड़े कमाल का फिगर इस बार दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, अगर कोई ये कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर कोई ये कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी की एक वेव थी, अगर कोई ये कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार को उखाड़ फेंकने की थी, तो कम से कम अभी तक जो परिणाम या यूं कहे रुझान सामने आ रहे हैं वो इस दिशा में अंकित नहीं करते। ये नहीं बताते कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई ऐसा गुस्सा लोगों में था कि वो लोग सरकार को या बीजेपी को बर्बाद करने के ही मन में हो, ऐसा नहीं था। क्या वो एक कैंपेन का हिस्सा था कांग्रेस का कि वो इस तरह से प्रोजेक्ट करे, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक की परिस्थितियां ये जरूर बताती है कि कांग्रेस बिना किसी परेशानी के आराम से सरकार बना रही है, बीजेपी 80 पर है, लेकिन जो डिफरेंसेस है तमाम सीटों के वो बहुत कम जा रहे हैं। कभी किसी राउंड में कोई आगे हो रहा है, कभी किसी राउंड में कोई आगे हो रहा है, लेकिन बड़ी देर से 80-105 पर स्टैटिक है। लगभग 10-15 हो गए, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अब बड़ा क्लियर और बड़ी साफ साफ लकीरें खींचता हुआ दिखाई देगा, और कांग्रेस सरकार बनाती हुई फिलहाल इन रुझानों में दिखाई दे रही है। मनवीर है हमारे साथ, मनवीर क्या खबर वहां से मिल रही है, कोई बड़ा अपडेट? विवेक देखिए, अजमेर जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल यूं कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर का है। 4 स्थानों के ऊपर भारतीय कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 3 स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और 1 स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार यानी कि किशनगढ़ से सुरेश टांक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालने की कोशिश करते हैं तो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी उनके लिए, और साथ ही साथ राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ के लिए भी ये एक राहत की खबर कही जा सकती है। वासुदेव देवनानी लगभग 2100 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। अजमेर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है 536 मतों से। कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत भाटी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। किशनगढ़ में लगभग 800 मतों से सुरेश टांग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। पुष्कर से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस की उम्मीदवार नसीम अख्तर 1191 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा लगभग 4473 मतों से ये होती लीड। अरे मजेदार बात है, देख मुझे जो चीज समझ में आई ना वो यही समझ में आई, जो लीड होती है नसीराबाद वाली ऐसी लीड कहीं दिखाई नहीं दे रही। मजेदार बात ये आगे अगले राउंड में हो सकता है किधर चली जाए किधर नहीं चली जाए, ये आंकड़े ऊपर नीचे हो जाए, ये स्पष्ट बात। मजेदार बात मैं इसी तरफ आ रहा हूं बार बार मनवीर, कि 500-600 हजार वोट ये कोई ऐसी लीड नहीं है जो आप रिमार्केबल लीड कहें, वो लीड नहीं दिख रही है मनवीर, गलत हूं मैं? नहीं, लेकिन 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 राहुल इसके साथ साथ हमको ब्यावर भी देखना होगा। ब्यावर वो स्थान जहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा आशा नहीं रहती, लेकिन ब्यावर से 4328 मतों से पारसमल जैन, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो लीड बनाए हुए हैं। मसूदा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सुशील कंवर पलाड़ा यहां पर विधायक है, वो पिछड़ रही है 3920 मतों से। राकेश पारिक, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, एक नया चेहरा कांग्रेस ने यहां पर दिया था, ये बढ़त बनाए हुए हैं। और अजमेर के सांसद, और अब आने वाले समय में जो जिस तरीके से बढ़त बनती हुई दिख रही है, रघु शर्मा कांग्रेस के, ये 3738 बहुत बड़ी लीड। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम अजमेर के हम देख रहे हैं, इनके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मनवीर आपके पास मैं आता हूँ। हमको फटाफट से बीकानेर का रुख करना है। देखिए बहुत बड़ी बात है, ब्यावर, मसूदा और केकड़ी, ये जो तीन सीटें हैं कांग्रेस को बहुत बड़ी लीड यहां पर 3-3, 4-4 हजार वोटों से मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये काम की बात, ये बड़ी लीड देने वाली बात होती है जहां से बहुत ज्यादा अंतर की गुंजाइश फिर बचती नहीं है। हालांकि इसके अलावा जो सीटें हैं वो 500-400 वाली है जहां पर कभी भी एक ईवीएम से खेल बदल जाता है। मैं फटाक से रुख करना चाहूंगा बीकानेर का, रौनक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, क्या खबर मिल रही रौनक वहां से, फिलहाल क्या स्थिति है? राहुल, एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है। रामेश्वर डूडी 7000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, साथ ही साथ बीडी कल्ला भी लगभग 1400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। 7000 वोट में सही अंदाजा लगाइए कि प्रतिपक्ष नेता है, नोखा से आते हैं और कहीं ना कहीं जी बिल्कुल राहुल 7534 वोटों से पीछे चल रहा है रामेश्वर डूडी तीसरे राउंड के साथ। ये एक बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीकानेर पूर्व को छोड़कर तमाम सीटों के रुझान हमारे पास पहुंच गए। अगर मैं तमाम 6 सीटों की बात करूं तो कोलायत से भोर सिंह भाटी लगभग 942 वोटों से आगे है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लूणकरनसर से वीरेंद्र बेनीवाल 400 वोटों से आगे, साथ ही साथ डूंगरगढ़ की अगर बात करूं तो गिरधारी मैया कहीं ना कहीं वो 3000 वोटों से आगे चल रहा है। खाजूवाला में गोविंद मेघवाल 1300 वोटों से आगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि रामेश्वर डूडी 7500 वोटों से पीछे। राहुल, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, अगर मैं सबसे बड़ी खबर कहता हूं तो वो यही है कि रामेश्वर डूडी 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्योति जी, बाकी सब आगे, डूडी साहब बहुत पीछे, 7000 वोटों से वो इस वक्त पिछड़ रहे हैं, मेरे लिए सरप्राइजिंग है। देखिए मैं यूं कहना चाहूंगी कि रुझान है और अगर हम ओवरऑल अगर कांग्रेस की स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस ने वो जादुई आंकड़ा अपने रुझानों में छू लिया है जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी होता है। और आप जो आगे आने वाला जो समय है, परिणाम मुझे लगता है और 1-1.5 घंटे तक और थोड़ा क्लियर होकर के सामने आने लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योति जी, जो है वो और बढ़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योति जी कांग्रेस के नेता अपने मन में सोच रहे हो चलो अगर डूडी साहब हारते हैं तो कम से कम कंटेंडर एक तो कम हुआ, अब बाकियों में से चुनना? मतलब देखिए मैं यूं कहना चाहूंगी, आप तो शुरू से जो ये बात कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर और कैंडिडेट सीएम का वो अलग बात है, लेकिन ये अच्छी बात है राहुल कि आप कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मतलब कॉम्पिटिटर अगर कहीं कम हो रहा है तो कांग्रेस में से ही कम हो रहा है, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है इस बात को लेकर के तो बहुत सुनिश्चितता जो है वो सबके चेहरों पर नजर आ रही है। अगर हम मीडिया की भी अगर बात करें तो उन्होंने बार बार यही पूछा कि अशोक गहलोत सीएम बनेंगे या सचिन पायलट सीएम बनेंगे, मतलब सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैंने इसलिए पूछा, मीडिया ने ज्योति जी इसलिए पूछा कि सामने वालों
वाला साफ था, उत्साहजनक बात है बहुत, सामने वालों का साफ था इसलिए पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि साहब हमको ये लग रहा था कि उसी करवट टूट गया। मनोहर विश्नोई की मीडिया संवाददाता अशोक गहलोत के आवास के बाहर मौजूद है, किस तरीके का माहौल है? एज एक्सपेक्टेड मनोहर, खुशी का ही माहौल होगा, क्या कुछ वहां पे चल रहा है और कौन कौन से बड़े चेहरे या दिग्गज नेता है जो वहां पर मौजूद है? जमावड़ा लग गया, बधाइयों का तांता तो शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अशोक गहलोत के निवास के बाहर से अब पूरा मीडिया का जमावड़ा वो घर के अंदर आ चुका है और जो मीडिया की जो सारी नजरें हैं वो अशोक गहलोत के निवास के अंदर उस तरफ लगी हुई है। चूंकि अशोक गहलोत अपने निवास में घर पे है और आपको बता दें कि वैभव गहलोत भी यहाँ घर पर मौजूद है और परिवार के साथ में वो बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और जो रुझानों के प्रति जो जिस तरीके से आ रहे हैं उन पर बातचीत हो रही है अपने घर पे और खुशी का माहौल है पूरे कांग्रेस जनों में। और अशोक गहलोत के निवास पर जो आपको भीड़ जिस तरीके से, मैं सहयोगी विजय सिंह को कहूंगा कि वो अपनी यहाँ के जो भीड़ है वो दिखाएं कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी है और जिस तरीके से वो लगातार कांग्रेस की जीत के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे और नारेबाजी कर रहे हैं और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होना चाहिए। राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह पर है, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है। कांग्रेस जीत रही है ना? हाँ, कांग्रेस जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है, कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन जन चाहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बने क्योंकि वो लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हैं तो आगे लोकसभा में पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाने में पूरी भूमिका रहेगी। साहब राजस्थान कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर कुशासन को बाहर किया है, जनता बहुत परेशान थी ऐसे महंगाई से और बेरोजगारी से, सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हैं जिन्होंने वास्तव में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा मत डाले हैं क्योंकि आज उनके जो 350-400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था आज वो 1100 रुपए में कर दिया और इनडायरेक्ट वे के अंदर जीएसटी के कारण से 20-25% महंगाई बढ़ा दी। आज छोटा 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 काम करने वाला आदमी वो भी परेशान है क्योंकि छोटे मोटे धंधे सारे बंद हो चुके हैं। लोग देखिए, आप ये सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भाजपा सरकार का जिस तरीके से आम जनता पर जो मारती वो उससे छुटकारा मिलेगा और कई जो महंगाई की जो बड़ी हुई चीजें हैं उनको भी राहत मिलेगी। कुछ लोग और हमारे साथ, आप कहां से हैं और क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस जीत रही है सब, लगातार बढ़ रही है सीटें उनकी और बहुमत कांग्रेस को ही मिलेगा। अशोक गहलोत के जीत रही क्या सरकार के कामकाज से खुश नहीं थी? कांग्रेस ने जो है सब लोगों के साथ लेकर चल रही है और विकास की बातें की है और इन लोगों ने किसी तरह की विकास की बात नहीं की बल्कि लोगों को परेशानी पैदा की है। आप कहां से आए हैं और जो कांग्रेस की जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या करें? मैं सांगानेर विधानसभा से हूं और कांग्रेस राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और बीजेपी सरकार से आम जनता हर मुकाबले में बीजेपी सरकार थी वो मनाई जाने लगी है कांग्रेस में क्योंकि शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं 105 पर 10:30 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार बनाती हुई बिना किसी परेशानी के नजर आ रही है। 105 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं पर बीजेपी 80, बीएसपी 4 और अदर्स 10 सीटों पर फिलहाल है और 199 सीटों पर ये पूरे रुझान फिलहाल आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कई राउंड की जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है, देखने वाली बात होगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल साफ होनी। चलिए अरुण हर्ष का रुख कर लेते हैं, जी मीडिया संवाददाता पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के बाहर वो मौजूद है, काउंटिंग वहां पे चल रही है, उनसे जान लेते हैं। अरुण, क्या अपडेट? प्रिया, मैं बताना चाहूंगा 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 4 सीटों पर बीजेपी चल रही है। जो शुरुआती रुझान में जिस तरह से कांग्रेस की 7 सीटें आगे आ रही थी, राष्ट्रीय लोकदल के 2 प्रत्याशी आगे जीत में नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से मतपेटियां खुल रही है, ईवीएम खुल रहे हैं, उसके साथ साथ ही जो है उतार और चढ़ाव आ रहा है। तो अभी फिलहाल 6 सीटें जो है कांग्रेस की वो आगे चल रहे हैं और 4 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, जो निर्दलीय या अन्य दल जो है वो पीछे रह चुके हैं। तो कह सकते हैं उतार चढ़ाव आ रहा है। कांग्रेस की जो हॉट सीट सरदारपुरा विधानसभा सीट जो है वो अशोक गहलोत उस पर करीब 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि 3रा राउंड ही हुआ है तो समय के साथ परिवर्तन और इस रुझान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से बात की जा रही थी कि 5 सीटें कांग्रेस को और 3-4 सीटें बीजेपी को मिलेगी, तो वही रुझान जो हम लोग देख रहे थे चुनाव की जब कवरेज कर रहे थे, तो वही रुझान अभी सामने आ रहा है। लेकिन पूरा जब रिजल्ट आएगा, करीब 10 राउंड पूरे होंगे, उसके बाद पूरी स्थितियां क्लियर होंगी। वहीं अरुण, अगर बागियों की बात की जाए तो जोधपुर एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जिला जहां पर बागियों की संख्या
कांग्रेस सबसे ज्यादा थे, कांग्रेस से सबसे ज्यादा यानी कि 10 बागी इस बार चुनावी मैदान में थे निर्दलीयों के तौर पर, तो उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, ये कांग्रेस की शायद रणनीति रही होगी, उन्होंने बागियों को इसलिए स्टैंड रखा, उनको मनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो बागी थे वो जाति फैक्टर जो चुनाव में काम किया करता है वही जाति फैक्टर को देखते उनको मनाने का प्रयास नहीं किया और वो उसका नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है और शायद यही कारण है बागी है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी आंकड़ा कम है बागियों का, लेकिन कह सकते हैं वोटों का नुकसान होना शुरू हो गया है दोनों पार्टी में, लेकिन कांग्रेस मजबूत स्थिति में जोधपुर की 10 विधानसभा क्षेत्र में से 6 पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और 4 पर बीजेपी है जो मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। तो हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या कुछ फिलहाल कोटा में चल रहा है, हाड़ौती संभाग की क्या कुछ तस्वीरें स्पष्ट हुई हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, फिलहाल कोटा की 6 सीटों पर चर्चा कर ले तो रामगंज मंडी में जो बड़ी बढ़त है वो मदन दिलावर ने बनाई हुई है, 4,756 वोटों से यहां पर मदन दिलावर आगे चल रहे हैं। लाड़पुरा की बात कर ले तो 1761 वोटों से कल्पना देवी यहां पर आगे चल रही हैं। जो कांग्रेस के लिए यहां पर कोटा दक्षिण की बात करें तो लगातार संदीप शर्मा आगे चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो अगले राउंड का अपडेट आया उसके बाद में 1300 वोटों से राखी गौतम यहां पर आगे चल रही हैं जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। फिलहाल यहां पर संदीप शर्मा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर से 663 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रहलाद गुंजल को बड़ी उम्मीद थी जो नदी पार का जो क्षेत्र है वहां से, लेकिन वो जो बढ़त है वो नहीं मिल पाई और फिलहाल यहां से अपडेट ये भी है कि प्रहलाद गुंजल यहां से चले भी गए हैं। हीरालाल नागर 106 वोटों से सांगवत विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं भरत सिंह, वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो रुझान है वो सामने है। आपको बताएं कि बड़ी बढ़त कांग्रेस ने बनाई हुई है पीपलदा सीट पर, यहां पर रामनारायण जो मीणा है वो 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। पांचवें राउंड की जो तस्वीर है वो यहां से आपको बताएं, फिलहाल कह सकते हैं कि टक्कर काटे की चल रही है, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, लेकिन जैसे जैसे ये राउंड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहां पर अंतर बढ़ता जा रहा है। अंतर जो कम है वो सांगौद विधानसभा सीट, कोटा उत्तर विधानसभा सीट, इन पर जो है वो अंतर बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये तस्वीर भी साफ हो रही है। केके शर्मा बहुत हद तक कह सकते हैं कि रुख करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक है निर्मल पवार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। निर्मल जी, जिस तरह के फिलहाल रुझान मिल रहे हैं, 10:30 का वक्त हो चुका है और कांग्रेस सरकार बनाते हुए बिना किसी रोड़े के परेशानी के नजर आ रही है 105 सीटों के साथ, और बीजेपी की अगर बात की जाए 80 सीटों पर बीजेपी फिलहाल के रुझानों के अनुसार बनी हुई नजर आ रही है, क्या कुछ माना जाए अभी भी बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा नहीं है कि बीजेपी को कवर करने में बहुत ज्यादा परेशानी सामने आए? देखिए, मेरा सोच तो इसमें यह है कि कांग्रेस जिस तरह से बढ़त बनाए हुए है और जो महिलाओं का रुझान था, वोट था, डाइवर्जन था, यूथ का डाइवर्जन था, किसान का डाइवर्जन था, ओवरऑल सबका डाइवर्जन था मतदान देने में, तो मेरा मानना तो यह है कि जो कांग्रेस जिस तरह से आगे है बीजेपी से, अब सरकार शायद कांग्रेस का ही, और मैं तो शायद नहीं कहूंगा, अब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आगे बनने वाली है। बिल्कुल। और जितेंद्र श्रीमाली जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, चूक आखिरकार कहां पे हुई? 199 सीट के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं और कुछ देर में नतीजों में ये तब्दील भी हो जाएंगे, फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है। देखिए, अभी तो रुझान है और अभी रिजल्ट आने बाकी है, क्योंकि जो रुझानों के अंदर जो सीट आगे बता रहे हैं वो बहुत कम मार्जिन से है और वो मार्जिन कोई 1,500-2,000, तो ये अभी जब राउंड आएंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों के अंदर जब स्टार्ट में जो है वहां पर कांग्रेस का वोट होता है उसके आधार पे, परंतु जब वो पूरा आगे दूसरे जब बूथ खुलेंगे, बूथ के वोटर वोट खुलेंगे, तो निश्चित तौर के ऊपर वहां पर बीजेपी आएगी और अभी इतना ज्यादा ये मार्जिन है नहीं, जब थोड़ा और रुक जाते हैं तब मालूम चलेगा सारी वास्तविक स्थिति क्या है। जी बिल्कुल। और
जिस तरह से, लेकिन ये जो रुझान है वही परिणामों में तब्दील हो जाएंगे, तो क्या कुछ लग रहा है कहां पर खामी बीजेपी की तरफ से रह गई? हालांकि टिकट वितरण के बाद तो यही लग रहा था कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना हावी है। टिकट वितरण से पहले की कुछ और तस्वीरें थी, पूरा एक तरफा मामला कांग्रेस को लेकर लग रहा था, लेकिन बीजेपी के लिए इस तरह से सीटों का जो डिफरेंस है, क्या उसी को वजह माना जाए कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें निराशा का भाव रहा, कई जो बागी ऐसे रहे जो उस टिकट वितरण के प्रणाली से खुश नहीं थे, क्या उस ये कम जो आंकड़ा है डिफरेंस है इसे ही वो वजह माना जाए? देखिए वजह ये तो नहीं है, पर बहुत सारी दूसरी वजह बहुत सारी ऐसी रही, और मुख्य जो बातें थी वो मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि एक तो ये जो SC ST के विषय को लेकर के जिस प्रकार से समाज के अंदर जहर घोला गया, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय को जिस प्रकार से उनके लिए माहौल जो जिस प्रकार का बनाया गया, उनके सभाओं के अंदर जिस प्रकार के नारे लगाए गए, राष्ट्र विरोधी माहौल बनाया गया, उसके कारण से ये इस बात का तो कुछ भी कह दीजिए साहब, कांग्रेस ने बहुत ही अधिक गंदगी फैलाने की कोशिश की, देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, समाज को तोड़ने का अब ये सब बातें मत कीजिए सर प्लीज सर, कि जो माहौल बनाने की कोशिश की ऐसी बातें नहीं सर। अब तो क्या है कि जनता का जो डिसीजन होता है उसे सिरोधारे रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो कन्विंसिंगली इस बात को मानना चाहिए कहां गलती रही। मुझे तो ये लग रहा है सर, मुझे तो ये लग रहा है, मैं तो आपके लिए जनता का आदेश तो सिरोधारे है ही। बिल्कुल सर, मैं तो ये आदेश तो सिरोधारे है ही। मैं तो इस चीज को और जोड़ते हुए कह रहा हूं, अभी तक जो पोजीशन है ये पहले से कहीं बेहतर है, और ये जो बेहतर पोजीशन आपकी हुई है वो आखिरी वक्त में किए गए प्रचार से, और मुझे लगता है कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस की टिकटों पर, और वो टिकटें आपके फेवर की आ गई। दिक्कत ये, और ये अच्छी चीज आपके साथ हुई, वरना ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता। ये है मजेदार चीज इस बार के चुनाव में, वरना ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता था। और अभी भी जो आपके लिए एक आशा की किरण है वो ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बहुत सारी सीटों पर नहीं है, जो जानकारी मुझे मिल रही है उस लिहाज से अभी तक 70 से 75 सीटें ऐसी हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 70 से 75 सीटें ऐसी है जहां पर अंतर मात्र 500 से 600 वोटों का है, और कई जगहों पर इससे भी कम है। तो ये वो आशा की किरण है जहां आगे जाकर के ये डिफरेंसेस कम हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो नहीं रहे। बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है कि अभी अंतर बहुत कम है, इसलिए अभी प्रारंभिक तौर के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और बीजेपी बहुत पीछे, क्योंकि अभी कोई 1500 वोटों का ही फर्क है और बहुत सारे बूथ के पेचा खुलनी बाकी है अभी। ठीक है, मैं एक बार आपके पास में आ रहा हूं दिनेश जी। देखिए बड़ी मजेदार सिचुएशन बन रही है, और सिचुएशन मेरे ख्याल से नोखा और बीकानेर की जिक्र किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रामेश्वर डूडी 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जो बहुत बड़ा अंतर है, और दूसरी तरफ बीडी कल्ला भी 4000 वोटों से पीछे चल रहा है। ये दो पॉकेट्स राजस्थान की ऐसी थी जहां पर जब मैं जाकर के आया दिनेश जी, वहां पर बीजेपी की स्थिति कमोबेश दूसरे इलाकों से बेहतर लगी। वो थी बीकानेर का शहरी इलाका या बीकानेर कोर, बीकानेर से बाहर चूरू या आगे का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। बीकानेर में बीजेपी की स्थिति बेहतर थी, जो परिलक्षित भी हो रहा है, और कोटा संभाग में बीजेपी की स्थिति अच्छी थी, जो परिलक्षित हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर उतनी बुरी स्थिति नहीं थी जैसा कि शुरुआत में बताया जा रहा था। दिनेश जी अभी परिणामों में यह नहीं दिख रहा है कि बीजेपी को शेखावटी से, मेवाड़ से, मारवाड़ से पूरी तरह से जनता ने खारिज कर दिया हो, वो स्थिति नहीं है। नहीं, अभी जैसा कि आपने बताया कि 70-75 सीटों के ऊपर 500 से कम अंतर है। एग्जैक्टली 70-75 सीटों का जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद सही नतीजे सामने आएंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, शायद ये पहला चुनाव होगा जिसके अंदर 70-75 सीटों में जो अंतर है वो 500 से भी कम है। ऐसे में बहुत गुंजाइश बचती है, बहुत कुछ बदल होने की गुंजाइश बाकी है। रही बात रामेश्वर डूडी के पीछे चलने की, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, इसलिए कांग्रेस के लिए झटका है, और साथ में राहत की बात भी है कि उनके लिए मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है उसमें एक प्रत्याशी कम हो जाएगा। अच्छा, ये अच्छी बात हो रही है क्या? ये राहत की बात तो है ही कांग्रेस के लिए। चलो एक कम हुआ कि मैं जिस आक्रामकता के साथ रामेश्वर डूडी आए थे मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हुए,
ठीक है, मुझे एक ये मजेदार चीज दिख रही है, मुझे एक ये मजेदार चीज दिख रही है, मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ा सा कमेंट लिया जाए। अगर निर्मल पवार जी, मैं गलत नहीं हूं अगर उन तक आवाज पहुंच पा रही हूं, निर्मल जी हैं हमारे साथ में जी। निर्मल जी मैं आपके पास में आ रहा हूं इसके साथ में। जो चीज मैंने महसूस की थी वो अपनी यात्रा के दौरान ये थी कि साहब जाट वोटर साइलेंट था। अगर एक नोखा जैसे इलाके में प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा जाट लीडर जिसे कहा जाता है वो अगर पिछड़ रहा होता है तो क्या इसे समझा जाए कि ये एक जाट मतदाताओं के बीच में छवि बनी कि साहब अगर बीजेपी को राजपूत वोट देते हैं तो हमें बीजेपी को वोट नहीं देना, हमें कांग्रेस कांग्रेस को वोट नहीं देना, हमें बीजेपी को वोट देना अगर राजपूत कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो ये उल्टी गंगा भैया आपको दिखाई दे रही है? देखिए थोड़ा बहुत ऐसा इफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन मैं साथ साथ एक अपनी बात जरूर इस वक्त जिक्र करूंगा सर। ये जो पार्टी इसके मैनिफेस्टो बनते हैं पढ़ता कौन है सर? पढ़ता है कोई मैनिफेस्टो? पार्टी के खुद के नेता नहीं पढ़ते सर? कितनों से बात, मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल जो मई महीने में कसौटी पर कसने वाले हैं तो जरूर जनता जनार्दन का ध्यान रख करके इस सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए करेंगे, दल हित के लिए नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सत्र के लिए प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो शीतकालीन सत्र को लेकर है, वो उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, एक बार फिर से निर्मल पवार साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं यही कह रहा था ये मैनिफेस्टो पढ़ता कौन है सर? नेताओं से पूछ लीजिए, दो बातें कर लीजिए, वो कहेंगे साहब मैनिफेस्टो पे बात मत कीजिए, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। वो बच्चे सर उसके अंदर फोटो बनाते हैं, बस इतना काम होता है उन मैनिफेस्टोस का, दिक्कत ये नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैनिफेस्टो पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो मैनिफेस्टो के जरिए किसी को प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं किसी स्टेट में, तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। मैंने पहले जिक्र किया आपको कि गहलोत जी ने सबसे पहले मैनिफेस्टो को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाया और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि कमेटी बना करके मैनिफेस्टो में जो हमने कमिटमेंट किए हैं, वादे किए हैं, उनको पूरा किया जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि जितना भी मैनिफेस्टो में आप डॉक्यूमेंट लाते हैं, पॉइंट्स लाते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, स्टूडेंट्स को रोजगार भत्ता देने की बात करते हैं, महिलाओं को एम्पायर करने की बात करते हैं, किसानों को एक और क्लॉज है निर्मल जी इसमें, निर्मल जी एक और क्लॉज है, वो क्लॉज ये कहता है बात करते हैं निर्मल जी, बशर्ते उसको एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, उसमें कोई टाइम बाउंड काम नहीं होता, बताया जाता है इसको पूरा करना है आखिर के 6 महीने में कर दो, ये मजेदार होता सर। हाँ यस 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 यस, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है उस गवर्नमेंट को सबसे पहले इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किए हैं, तो राजस्थान का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यूथ का जो डिप्रेशन है वो कम होगा, महिलाएं आपने देखा है कि इस बार भी उन्होंने मेंटेन करके 74% करीब पोलिंग किया अपना, वो चाहती है कि यहाँ जो रिसेशन है बिजनेस में वो भी ठीक हो, यहाँ युवाओं को उनके रोजगार मिले, उनके बेटे बेटियों को रोजगार मिले, उनके जो पति हैं और इस रिसेशन में घर पर बैठे हैं उनको रोजगार मिले, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो सीरियसली राजस्थान में लाना होगा, और एक ऐसा सेल मेरे ख्याल से बना देना चाहिए जो पूरी तरह से इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा पूरा ध्यान दे। ठीक है ज्योति जी, अब देखिए डूडी साहब तो अभी बहुत पिछड़ रहे हैं, खैर उनके बारे में बात करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्योति जी का फेवरेट कौन है? ज्योति जी के मन से पूछे, अगर ज्योति जी को बहुत साफगोई से ज्योति जी बात करती हैं, ये काम की चीज है, इसलिए मैं ज्योति जी से पूछ रहा हूँ, ज्योति जी आपके मन में कौन है, आपको कौन अच्छा लगता है? सचिन पायलट साहब अच्छे लगते हैं, गहलोत साहब ज्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर कोई दूसरा नाम है? क्योंकि मैं गिरजा व्यास जी, रघु शर्मा जी सबका नाम सुनता हूँ। राहुल जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत स्पष्ट रूप से बन रही है और इसे सभी लोग मान रहे हैं, यहां तक कि आप मीडिया से भी सब लोग इस बात को मान रहे हैं। ज्योति जी, मैं आपकी थोड़ी सी खुशी कम कर रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ी सी खुशी कम कर रहा हूं ज्योति जी, जो मुझे लग रहा था वो हो रहा है, जो मुझे लग रहा था वैसा कुछ हुआ भी। अब आप थोड़ा सा देखिएगा रुझानों की तरफ, 101 पर आप लोग आ गए और बीजेपी 85 पर आई है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और इसी तरफ मेरा ध्यान सबका आकर्षित करने की कोशिश थी। आप देखिएगा ये जो कम डिफरेंसेस है ना मैडम, ये आगे पीछे बहुत सारी चीजें करेंगे,
और आखिर में हो सकता है काफी कुछ बदला आपको ये फिगर जो अभी आप देख रहे हैं देखने को मिले। आप पीछे हटे हैं हालांकि मैजिक फिगर के उस लक्ष्मण रेखा के उसी तरफ है, लेकिन फिर भी जो मिठास थी वो थोड़ी सी कम हुई है और यही चिंता की बात इस बार रहने वाली है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि ये डिफरेंसेस इधर उधर होते रहेंगे, दिल की धड़कन बढ़ाते रहेंगे। कालीचरण जी सराफ साहब ने बीपी की गोली भी ली है कुछ देर पहले, वो स्वस्थ हैं, अच्छी बात है, उनका स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन कई दूसरे नेताओं को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये मजेदार ज्योति जी इस वक्त स्थिति, मजेदार तो नहीं कहूंगा गलत बात है, लेकिन चिंताजनक स्थिति नेताओं की हृदय गति के लिहाज से। देखिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि अभी जो आप बात कर भी रहे थे कि ये रुझान है और बहुत स्पष्ट स्थिति तो आगे आने वाले और एक घंटे के बाद हमको थोड़ी 8,822 वोटों से सचिन पायलट आपने दिखाई वो इस वक्त हम कैसे बड़ी खबर है टोंक से सचिन पायलट 8,822 वोटों से आगे चल रहे, कोई शक इसमें नहीं था क्योंकि सचिन पायलट आश्वस्त भी नजर आते, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा बहुत बड़ा अंतर है 8,822 वोटों से आगे सचिन पायलट। और इसके पीछे वजह भी है, जब टोंक में आप जाते हैं टोंक के लोगों से बात करते हैं, मेरा 3 बार टोंक जाना हुआ और टोंक के लोगों के मन में भावना यह है कि वो इस बार मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये इतना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। और कई लोगों का कहना यह भी था, आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक जानकारी के लिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। आशुतोष क्या कुछ अपडेट आपके पास? बीजेपी कार्यालय पर है आशुतोष और बहुत ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और सुबह 5:30 बजे की जो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी बहुत ज्यादा सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो इन तमाम जो भाजपा से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनमें देखने को मिलेगी। एक के बाद एक टकटकी लगा के जो यहाँ भाजपा कार्यालय के अंदर जी राजस्थान न्यूज की जो स्क्रीन है उसको देख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की उम्मीद है अभी तक के जो रुझान सामने निकल गए हैं। देखिए अभी ये रुझान अभी तो स्टार्टिंग ही है और हम पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और ये जो रुझान आप देख रहे हैं ना अभी तो है ना सब 400-500 वोटों से ही इसमें अंतर है, तो ये जब अभी 1 बजे के आसपास आपको जब दिखेगा कि है ना भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हमारे को बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है सर अब सही दिशा में जा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए अभी क्या है कि जहाँ 18 से 27 राउंड तक की गिनती होनी है, 14 राउंड अभी चल रहा है और जिस प्रकार रुझान आ रहा है बीजेपी की सीटें निरंतर बढ़ रही है और फाइट बहुत क्लोज है, कुछ लगभग 40-50 सीटें ऐसी जहाँ 500 से कम उनका अंतर है, तो निश्चित रूप से देखिए जब अंतिम 27वें या 18वें राउंड तक जब तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है सब? निश्चित है हमारी सरकार बन रही है और बीजेपी सरकार बनाएगी। आपने देखा कि रुझान किस तरीके से आ रहे हैं और भाई साहब ने बताया कि 27 राउंड तक चलेगी, अभी तो 4th राउंड चल रहा है, अभी तो खेल बहुत बाकी है और निश्चित है हम सरकार बनाएंगे। इसे बोलते हैं आशावान होना। वसुंधरा राजे ने 2 दिन पूर्व कहा था कि एग्जिट पोल पे हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं जनता पे जहां लोगों तक वो पहुंचे। अभी जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं आशुतोष मजेदार बात है कि वो एग्जिट पोल के इर्द गिर्द ही है, लेकिन शायद कईयों का आकलन यह था कि बीजेपी इससे ज्यादा बुरी स्थिति में होगी, लेकिन वो नहीं है। मैं एक पोखरण सीट का जरूर जिक्र करना चाहूंगा जिसने बहुत सारी सूरत और तस्वीर खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान की बदली है। मैं पोखरण का जिक्र करूं उससे पहले सुशांत पारेख, देखिएगा आप बहुत ज्यादा हलचल बीजेपी कार्यालय में नहीं है लेकिन जहां सुशांत है वहां ढोल नगाड़े गाजे बाजे सब दिखाई दे रहे हैं, सुशांत को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सुशांत झंडों के बीच में आप हैं और हलचल बहुत ज्यादा है, कांग्रेस तय कर चुकी है साफ सरकार बनानी है। बिल्कुल राहुल, ये सचिन पायलट के घर की तस्वीर है, जश्न की तस्वीर है और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर झंडे कांग्रेस के लहरा रहे हैं, हाथों में एक कटआउट लेकर सचिन पायलट के यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये तस्वीर बता रही है। और इसे बाहर अगर कैमरा मनीष बाहर तक दिखा सके तो बाहर आतिशबाजी चल रही है, इंतजार हो रहा है सचिन पायलट का और यहाँ पर महिलाएं जो है उनसे आपको रूबरू करवाएंगी कि कैसे ये टी शर्ट देखिए इनकी कांग्रेस के चुनाव प्रचार की अब बदलेगा राजस्थान जो टैगलाइन रही है उसमें कैसे देखिए कि कैसे यहाँ पर उस चुनाव प्रचार की एक झलक आपको देखने को मिल रही है। महिलाओं से बात करेंगे कहाँ से आए हैं और टी शर्ट के जरिए क्या मैसेज है आपका? मैं जयपुर शहर जिलाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस से मंजुलता मीणा और आज हम पायलट साहब के लिए आए क्योंकि पायलट साहब ने कांग्रेस सरकार को खड़ा किया राजस्थान में जब 21 सीटों पर सिमट गई थी, आज पायलट साहब को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सरकार के लिए महिलाओं के चलिए वो ये शुरू हो गया जो होना था सचिन ये हो गया शुरू बिल्कुल शुरू हो गया जो होना था कर रहे हैं नृत्य भी कर रहे हैं
ये राहुल एक तस्वीर देखिए, जो राजस्थानी फोक है वो आपको यहाँ पर मुझे जो बदलता दिखाई दे रहा है ना, मुझे जो बदलता दिखाई दे रहा है, मुझे याद है पीली लुंगड़ी के साथ में, मुझे याद है जब 2008 में गोलमा देवी ने शपथ ली थी तब ये गाना बहुत चला था शपथ ग्रहण के वक्त। लेकिन आज जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि पीली लुंगड़ी और साड़ी और सूट पहनने वाली महिलाएं अब टी शर्ट पहनकर सचिन पायलट का प्रचार कर रही है, उनके समर्थन में आ रही है। ये भी बदलते राजस्थान की एक बदलती हुई तस्वीर है, जो नए नए तरीके से अपने नेता को आगे बढ़ाने की या उनका समर्थन देने की बात है। लेकिन ज्योति जी, मैं इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ। देखिए, जो होना था ज्योति जी, वो अब इस स्थिति में है कि महिलाएं या सचिन पायलट के समर्थक बड़ी जोर से कह रहे हैं कि सचिन जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। मनोहर भी, अभी मैं थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा, वो गहलोत साहब के आवास के बाहर है और वहां पर कई लोग बड़े जोर से ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की एक स्थिति यहां से बनती हुई दिखाई देगी और उस वक्त ज्योति जी को भी ये तय करना पड़ेगा कि उनको जालूपुरा जाना है या फिर सी स्कीम जाना है, सिविल लाइन्स जाना है। राहुल जी मुझे तो देखिए ना तो पीसीसी कार्यालय जाने में कोई आपत्ति है और ना ही मुझे जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बन रही है तो सीएम कार्यालय जाने में या सीएम रेजिडेंस जाने में कोई आपत्ति होगी, क्योंकि जहां जब अगर सीएम कांग्रेस का बनेगा तो जो भी बनेगा उससे जाकर के अपनी बात कहना या जनता के बारे में अपनी बात कहना, सुनना, सुनाना और बधाई देना सब कुछ निश्चित रूप से मैं बहुत आसानी से कर पाऊंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस ने शुरुआती तौर से ही जो एक बढ़त का जो एक सिलसिला बना करके रखा था, वो बढ़त का सिलसिला अभी जारी है और अब हम लगभग कह सकते हैं कि लगभग 5-6 राउंड जो है वो काउंटिंग के पूरे होने में आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार इस बढ़त को बनाए रखा है कांग्रेस ने, तो हम बल्कि ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी उम्मीदें इससे ज्यादा थी, जो अभी जो रुझान दिख रहे हैं उससे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीदें हैं और कांग्रेस उससे ज्यादा बहुमत की अपेक्षा जो है वो रखती है और मेहनत जो की गई थी कार्यकर्ताओं की और जो जनता का जो मानस था वो भी इस बात को दिखा रहा था कि कांग्रेस को एक बहुत स्ट्रांग जो है वो सरकार दिखेगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो आप थोड़े मार्जिन की डिफरेंस की सीटों की जो आप बात कर रहे थे, वो सीटें बजाय बीजेपी की सीटें बढ़ाने की जगह बीजेपी की सीटें को घटाने का काम करेगी और कांग्रेस जो है वो एक स्पष्ट और मजबूत सरकार, कांग्रेस जो कार्यकर्ताओं की सरकार है। और आप जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और उल्लास देख रहे हैं वो भी इसीलिए क्योंकि राहुल जी ने बार बार इस बात को दोहराया, यहाँ सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी ने भी इस बात को कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक ऐसी सरकार होगी जहाँ जिसे कार्यकर्ता को लगेगा कि उसकी भागीदारी। मुझे अच्छा तब लगता है जब आप ये ज्योति जी कहती है ना, तो जब ज्योति जी और कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता जब चेक कर लेते हैं, जब बोलते सचिन पायलट ने ऐसा कहा, फिर बोलते नहीं नहीं गहलोत साहब ने भी ऐसा कहा, तब मजा आता है सुनने में कि साहब दोनों को बैलेंस करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। निर्मल पवार साहब, गलत कह रहा हूं मैं? सब नेताओं के सामने ये दुविधा है साहब कि एक का नाम लिया दूसरे का नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानते, लेकिन हम इस बात को भी नहीं एक्चुअली इग्नोर नहीं कर सकते। अशोक गहलोत जी 2 बार के सीएम हैं राजस्थान की जनता से उनका जुड़ाव है, राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने काम किया है, तो एक सीधा जुड़ाव जो है वो नजर आता है और लोग याद करते हैं उनके कार्यकाल को। और अगर हम पिछले 5 साल में अगर सचिन पायलट जी का काम देखते हैं जहां उन्होंने विपक्ष की भूमिका को बहुत मजबूत तरीके से निभाया है, तो हम किसी, मुझे नहीं लगता कि किसी की एक की मेहनत को आप साइडलाइन कर सकते हो। और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में इतने लीडर्स हैं जो जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, जनता से सीधे निर्मल पवार साहब जुड़ी हुई, निर्मल पवार साहब उनसे जुड़ी हुई है, निर्मल पवार साहब इंपॉर्टेंट बात, निर्मल पवार साहब मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर आता हूँ, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर आता हूँ। 101 पर इस वक्त कांग्रेस है, अगर ये कम होकर के 95 तक जाती है, बीजेपी 90 तक आती है, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा होता है तो जी आपको लगता है कि फिर ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के भीतर जो सिविल लाइन से लेकर जालूपुरा तक की लड़ाई है वो पीसीसी दफ्तर पहुंचते पहुंचते बहुत विकराल हो जाएगी और बिल्ली के भाग का छीका कहीं और फूट जाएगा, वहां बीजेपी को एज मिल जाएगी और सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। डू यू फील सो? ऐसा हो सकता है? हालांकि है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन 5-10 सीट की बात है बस। बिल्कुल, लेकिन मेरा स्पष्ट इसमें मानना यह है कि जैसा आपने देखा कि गहलोत साहब ने भी कल अपने बयान में कहा और सचिन जी ने भी अपने बयान में कहा है
कि यहाँ एमएलएज की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उनकी ओपिनियन के बाद में जो हमारा आलाकमान है, जो हमारी हमारे चीफ हैं राहुल जी, वो इन सब बातों को सुन करके, एमएलएज की ओपिनियन को सुन के, उनकी सीरियसनेस को देख करके और राजस्थान का भी भला किसके नेतृत्व में होना चाहिए इन सबको देख करके और फैसला होगा। मेरा मानना है कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी अगर नेक टू नेक, वैसे नेक टू नेक कुछ नहीं होगा, रिजल्ट्स आप देखिएगा कि स्पष्ट कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है, ठीक है, और नेक टू नेक नहीं होने की वजह से कोई कॉन्ट्रोवर्सी चीफ मिनिस्टर बनने में नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, दिनेश गोरसे साहब आपके पास में आ रहा हूं मैं, आपको लगता है कोई कॉन्ट्रोवर्सी की स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, बशर्ते निर्मल पवार साहब कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन पूत के पांव पालने में सर बहुत ज्यादा देखने में दिक्कत हो नहीं रही है, आपने देखा किस तरह के नारे एक तरफ लग रहे हैं दूसरी तरफ लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी हाइपोथेटिकल मैं कह रहा हूं अगर सिचुएशन बनती है 95 सीट या 92 पर बीजेपी आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कांग्रेस सही बहुमत से सरकार बनाए और चाहे इधर जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़े, दोनों स्थितियों में ही कंट्रोवर्सी मुख्यमंत्री को लेकर के होना तय है, क्योंकि जिस हिसाब का माहौल कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार की लोबिंग कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है, नेताओं के बयान आने भी चालू हो गए हैं, बीच में भी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान भी आ रहे थे कि मुख्यमंत्री इसको बनना चाहिए, तो इसको देखते हुए जिस प्रकार से 6 मुख्यमंत्रियों के दावेदार थे कांग्रेस के अंदर, उनमें सिर्फ फुटवल की नौबत आ सकती है, ऐसे में ये चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुनाव का जो गेम चलेगा वो भी बड़ा रोचक होगा। ठीक है, मुझे एक चीज है जिसको लेकर के मैं जितेंद्र श्रीमाली साहब के पास जा रहा हूं। श्रीमाली सर, कांग्रेस मुक्त भारत एक नारा हुआ करता था सर, आज ये 4 स्टेट्स के नतीजे आप देख रहे हैं, 5 स्टेट्स के सर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी साफ है सर, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी लीड कांग्रेस को मिल चुकी, बड़ी तो नहीं कहूंगा पर एक मार्जिनल लीड है, जहां पर सरकार बनाती हुई 116 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। मिजोरम आपकी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही, तेलंगाना आप साफ, राजस्थान में बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बताइए सर, कौन सा कांग्रेस, कौन सा मुक्त और कौन सा भारत सर, अब बताइए सर, यहां से तो दूसरी गंगा बह गई है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 15 साल शासन करने के बाद में वहां कांटे की टक्कर चल रही है, और राजस्थान के अंदर भी अभी केवल रुझान है, और रुझानों के अंदर ही मैं बता दूं आपको कि कुछ सीटें ही ऐसी है जहां पर 5,000 से ज्यादा का फासला है, परंतु अधिकांश सीटों के ऊपर कोई 1,500 वोटों का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, और अभी कुछ ये हमेशा रहता है कि हमेशा जितने भी चुनाव हुए हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जब वो उन क्षेत्रों की जब वोट का खुलते हैं तो एकदम से कांग्रेस आगे बढ़ती है, पर जैसे ही दूसरे क्षेत्र खुलते हैं तो उतने डबल गति से कांग्रेस पीछे होती है, तो इसलिए अभी कम से कम 1 घंटे का समय बाकी है। आप देखिए जो डाइसी स्थिति है सर, आपको आशावादी होने का मौका दे रही है और ये होना भी चाहिए, भारत की बात है, ठीक है, अभियान पूरे देश के अंदर बाजी हारता कोई नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे लग रहा है कि जो प्लैंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जो कांग्रेस दफ्तर में या बीजेपी दफ्तर में होने वाली थी उनमें आज डिले होगा, सूरज उगने के साथ हम बैठे थे, सूरज ढलने के साथ साथ मुझे लगता है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी वो होंगी जब कोई हार मान रहा होगा या फिर जीत अपनी तय मान रहा होगा। सुशांत है, सुशांत के चेहरे पर मुस्कान है, थोड़ा सुशांत के पास जाने की कोशिश करते हैं। सुशांत, ये अभी भी क्या कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान बाकी है या अनवरत है, क्योंकि 199 सीटों का अभी जो रुझान हम देख पा रहे हैं उसमें कांग्रेस की 105 से 101 सीट हुई है, बीजेपी 85 पर लीड कर रही है, तो पहले का जो लीड थी 105 की वो थोड़ी सी कम हुई है, और क्योंकि अंतर बहुत सारी सीटों पर कम का है, बीजेपी आशावान है। और एक मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं सुशांत, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, माफी चाहूंगा, कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है जहां बीजेपी और कांग्रेस नेक टू नेक आ जाए।
बिल्कुल राहुल, आप मुस्कान की बात कर रहे हैं, दरअसल मुस्कान के पीछे वजह यही है कि जो जोशो खरोश नजर आ रहा था वो थोड़ा सा जो है कार्यकर्ताओं का कम हुआ है। हालांकि अभी भी सचिन पायलट के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन सचिन पायलट अभी बाहर नहीं आए हैं मीडिया से। पहले उनके बातचीत करने का समय 9:30 बजे था, लेकिन घड़ी जो है वो बता रही है कि अब समय जो है निकल रहा है, लेकिन सचिन पायलट बाहर नहीं है। हो सकता है थोड़ा इंतजार कर रहे हो कि तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाए, या पेचीदा अगर होगी तो क्या जवाब दे मीडिया को, किस तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखें। और बाहर अगर तस्वीर देखें तो यहाँ आतिशबाजी हो चुकी है, नारे लग चुके हैं, डीजे साउंड की आवाजें अगर आपको दिखे वो भी है, और मीडिया को देखकर कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन चिंताएं हैं कार्यकर्ताओं के मन में कि जिस तरीके से लगातार रुझान बदल रहे हैं, क्या तस्वीर वो हो जाएगी। दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही है सुशांत, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे। जयपुर से ही जुड़ चुके हैं अंकित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्या कांग्रेस अभी भी जश्न मना रही है या फिर अभी कुछ और इंतजार कांग्रेस सोच रही है कि कर? कागज के साथ है अंकित, तगड़े आंकड़े हैं अंकित के पास में। जी बिल्कुल, जयपुर में मैं कॉमर्स कॉलेज में हूं, और कॉमर्स कॉलेज में सबसे हॉट सीट अगर आदर्श नगर की बात करें, जहां पे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी लड़ रहे हैं, तो वो 3 राउंड के बाद 5,739 मतों से पीछे चल रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। वही सिविल लाइन्स में जयपुर जो शहर कांग्रेस है उनके अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री अरुण चतुर्वेदी के बीच मुकाबला है, जिनमें 4,751 वोटों से प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे हैं, यानी कि यहां भी बीजेपी पीछे है। तीसरी सीट चाकसू सीट है, वहां पर वेद प्रकाश सोलंकी 493 मतों से आगे चल रहे हैं। तीनों सीटों पर कांग्रेस है, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले भरत से जुड़ते हैं, भरत आपके पास क्या अपडेट है? देखिए मालवी नगर में 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और कुल मिलाकर बात की जाए तो कालीचरण सराफ 130 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले अर्चना शर्मा बढ़त बनाई थी, फिर बाद की सीटों में कालीचरण सराफ ने बढ़त बढ़ाई और 6ठे राउंड में बिल्कुल। तो मालवी नगर से अपडेट करें कि अब कालीचरण सराफ आगे हो गए। हमारे साथ दामोदर है, दामोदर आपके पास क्या अपडेट? देखिए मैं बताऊं कि आमेर विधानसभा आपको रुकना चाहिए, एक बार फिर से आपका रुक करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे चल रही, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह की सत्ता जा सकती है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की ये हैट्रिक सामने आई है। राजस्थान में तो कांग्रेस लीड कर ही रही है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लीड कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सत्ता 10 साल बाद उनके हाथ से जा सकती है। मजेदार बात और काम की बात मैं थोड़ी सी बताता हूँ। मिजोरम और तेलंगाना को हिंदुस्तान की हिंदी भाषी पट्टी की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग देखना चाहिए। यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज है उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो रीजनल पार्टीज है, तेलंगाना मुक्ति मोर्चा हो चाहे मिजोरम में वहाँ की जो MNF हो, उसका दबदबा आपको दिखाई देगा। लेकिन जो खालिस हिंदी भाषी ये पट्टी है, जहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा वोटों और सीटों की जरूरत होती है, वहां पर ये हैट्रिक कांग्रेस लगा रही है। और ये तीनों महत्वपूर्ण राज्य जहां पर कांग्रेस इस वक्त राजस्थान और MP में बीजेपी पर 20 साबित हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में एक तरीके से क्लियर मेजोरिटी और बहुत अच्छी मेजोरिटी, 2/3 भी हो सकता है, वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अंकित के पास दामोदर कुछ अपडेट लेकर पहुंचे थे, अंकित एक बार फिर से आपके पास। जी बिल्कुल, दामोदर वापस से जा चुके हैं क्योंकि 4थे राउंड की मतगणना शुरू है। लेकिन जयपुर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रमुख सीटों पर बढ़त बना रही है। हालांकि जो अहम सीट मालवीय नगर थी, वहां पर जो मंत्री हैं कालीचरण सराफ, उनका BP बढ़ गया था क्योंकि शुरुआती दौर में वो पीछे थे, लेकिन वापस से उन्होंने BP नियंत्रण करने की गोली खाई है और उसके बाद से उनकी बढ़त भी हुई है। हालांकि बढ़त बेहद आंशिक है, लेकिन देखिए आदर्श नगर को लेकर बढ़त तो बनाई है वापस से, लेकिन ये गोली की वजह से नहीं हुआ है। मैं बताऊं, गोली की वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, अच्छा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कालीचरण सराफ का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। और मैं सवाल के साथ में थोड़ा सा आ रहा हूं, देखिए कितना कम अंतर है। और जयपुर शहर में अगर कांग्रेस इस तरह का प्रदर्शन करती है तो ये बड़ा काम की चीज होगी, जिस पर कि ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिनेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, मैं 3 सीटों का जिक्र कर रहा हूं। सिविल लाइन्स हम सोच ही रहे थे कि प्रताप सिंह यहां से लीड करेंगे, जो कर रहे हैं। आदर्श नगर से 4,000 वोटों से ज्यादा अंतर से अशोक परनामी का पीछे होना बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। वहीं बहुत ज्यादा अंतर से कालीचरण सराफ भी आगे नहीं है,
चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी आगे चल रहे हैं। ये कई सारी सीटें हैं जिनका कि मैं जिक्र कर रहा हूं। खासतौर पर अगर मैं चाकसू से थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों के भीतर भी आता हूं, मैं कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन जयपुर शहर में देख पा रहा हूं। यह बड़ी काम की चीज है जहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, और मेरे ख्याल से ज्योति जी इस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे क्योंकि ज्योति जी का यह पूरा इलाका है। ज्योति जी, कांग्रेस ने शहरी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, ट्रेडिशनल जो वोटिंग पैटर्न है उससे अलग। बिल्कुल, मैं यूं कहना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस ने, आप देखेंगे परिणाम आने के बाद, कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों पूरे राजस्थान में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई देगा, और वो इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि कांग्रेस ने पिछले वर्षों में राजस्थान के जनमानस में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने विश्वास दिलाया जनता को कि वो यहाँ पर जो है जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के हर दुख दर्द में शामिल है, जनता की लड़ाई लड़ने को कांग्रेस सरकार, कांग्रेस तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, आगे आने वाले समय में भी कार्यकर्ता को इतना विश्वास है, जो कि विश्वास बीजेपी ने खोया कि वहां पे विधायक तक अपनी बात नहीं कह पाते थे सरकार में, लेकिन यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी ये विश्वास है कि उसकी भागीदारी जो है वो कांग्रेस सरकार में रहेगी, उसकी सुनवाई जो है वो कांग्रेस सरकार होगी। तो वो जो एक मानस है वो दिखाई दे रहा है, और वही ये स्टार्टिंग रुझानों में भी दिखाई दे रहा है। ओंकार सिंह लखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखावत साहब, आपका स्वागत है। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। शशि, एक बार फिर से वेलकम बैक स्टूडियो में। लखावत साहब, आपके पास आ रहा हूँ। 85 सीटों पर आप लीड कर रहे हैं, 101 पर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर है। कहाँ कमी रहेगी सर? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज तो इलेक्शन कमीशन को काम करने दें, ज्यादा अच्छा है। राजनीतिक दल के बारे में मुझे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, पर एक ये नक्शा देखिए, जो एग्जिट पोल जितने भी आए थे वो कांग्रेस को कोई 140 दे रहा था, कोई 150 दे रहा था। कांग्रेस का रुझान 101 पर है और गैर कांग्रेस का 98 है। और सीटों से आगे अभी मैं देख रहा था कि जैतारण में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो मात्र 36 वोट से आगे है। इसलिए मेरा कहना है कि जो जो दौर होते जाएंगे कांग्रेस जरा नीचे आएगी जैसा अनुमान लगता है, और इसलिए कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ओर कांग्रेस नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर के लखावत साहब आप आशावान है, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं सर। और लखावत जी, शायद इशारा लखावत साहब 98 की तरफ किया है, शायद बीजेपी उस ओर के इशारे की तरफ आगे बढ़। लखावत साहब मजेदार, मैं तो सामने वाली स्क्रीन पढ़ के बता रहा हूं। लखावत साहब, मैं आपको 2013 का जिक्र करके बताता हूं सर। जब हम उस वक्त डिस्कशन कर रहे थे लखावत साहब, मैंने कुछ ऐसे ही सिमिलर कॉमेंट्स कांग्रेस की तरफ से सुने, शायद कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं एक बार मनोहर का रुख करता हूं। से दिखाना चाहिए कांग्रेस जो 2013 में 21 सीटों पे आ गई थी, 21 सीटों पे आ गई थी। एक बार मनोहर का रुख कर रहा हूं मैं, सिविल लाइंस का मनोहर के पास जानकारी है। मनोहर, क्या देख पा रहे हैं आप? उनके निवास पर बड़ा भीड़ लगी हुई है, और आपको बता दें कि जिस तरीके से विजय को कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके की भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर रही है पुलिस। और आपको बता दें कि सामने ही वसुंधरा राजे का बंगला है, वसुंधरा राजे भी अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यालय पहुंच रही है बांसवाड़ा से, और अभी थोड़ी देर बाद भी अपने निवास पर आएंगी। इसको लेकर के तमाम जगह ये बंदोबस्त कर दिया, और अभी अशोक गहलोत है वो लोग मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होने वाले सबसे पहले नेता अशोक गहलोत हैं इस दौर में, सुनते क्या कह रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार कांग्रेस बना निश्चित है, और थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं, कई राउंड अभी बाकी, अभी हो रहे बाद मालूम पड़ेगा। गहलोत साहब, बाहर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं, वो चाहते हैं कि वो नारे लगा रहे हैं कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, बड़ा आपके समर्थकों को इंतजार हो रहा है। कुछ अति उत्साही लोग होते हैं जो नारे लगा रहे हैं, लगाओ भाई के लगाओ जेड के लगाओ, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा, ये जो है ये आप जाके हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूछिएगा। आप हमारे मुझे ऑब्जर्वर लगा दिया, कब ऑब्जर्वर कब आएंगे, कब ओपिनियन आगे होंगे, आगे होंगे, अभी आगे हैं, और वो भी सबसे बातचीत करेंगे, सब स्फूर्ति होगा। राजस्थान में कोई तरह का आप दिमाग में रखे, एक बात स्पष्ट है, राजस्थान की परंपरा में रही है, जब एक बार विधायक दल की बैठक होती है
सबकी राय ली जाती है, हाईकमान पे पूरा अधिकार दे दिया जाता है, उसके बाद में जो फैसले होते हैं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा उसके बाद में कोई फैल बट हो। यही आज इस बार होने वाला है, आप निश्चिंत रहो, आप देखेंगे किस तरह इसको फैसला होगा और चेहरा सामने आ जाएगा आपके। विधायक दल की बैठक कब होगी? कुछ है कल होने की संभावना होगी मेरे ख्याल से। तो आज आप क्या करने वाले हैं? पूरे दिन आपका दिन कैसा लगा? मैं आपके साथ में बिताने वाला हूँ। विधायक विधायक बुलाने के लिए मैसेज दे दिया गया, जो जो जीते वो सारे विधायक कल तक आ जाएंगे, आपकी राय ले ली जाएगी और जब भी